ये हमारे दो ब्रिंजल के पेड़, इसकी लीफ में कुछ तो ये वाइट वाइट सा जो है इशू आ गया है, और मेरे पास अभी गोकापामिथम भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे करें, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये देखो काफ़ी बड़ा है और इसने इतना खिलाया है, बहुत खिलाया इसने। हमारे पड़ोसी भी ब्रिंजल खा खा के थक गए हैं। एक्चुअली हमारे पास और भी है अभी, कुछ ब्रिंजल नीचे है, और एक्चुअली क्या है कि एकदम मेंटली सेटिस्फाइड हो गए कि ब्रिंजल अभी 6 महीने नहीं मिले तो चलेगा, इस टाइप का हो गया है, तो इसलिए मैंने निकाले दिया कि भाई अब थोड़ा रोग लग गया, निकालो दूसरा फ्रेश लगाएंगे। एकदम फ्रेश अभी देखो यहाँ पे लगा भी दिया हमने, ये देखो फ्रेश लगा हुआ है, तो नया आएगा और जो है इसके हम नए प्लांट्स लगाएंगे। और हमने मिर्ची भी देखो निकाल दिया, एक मिर्ची भी था उधर, ये देखिए मिर्ची, ये रहा मिर्ची हमारा। इसमें भी देखो, इसमें तो कामन होता है ना, मिर्ची में लग जाता है, लेकिन हमने क्या है कि ये गोकापामिथम का हम बहुत लेज़ी हैं ना, थोड़ा सा जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है उसके बाद मैं देखता हूँ, तो यही बड़ा प्रॉब्लम है। तो नेचुरल जो गार्डनिंग होती है ना, इसमें क्या है कि आपको प्रिवेंटिव चलना पड़ता है। अगर अटैक हो गया तो ये मान के चलो कि आपके पास कंट्रोल नहीं है, हो जाता है कंट्रोल अगर आप कुछ स्टेप्स फॉलो करो, ये वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें वो कापर में जो है गोकापामिथम डाल के वो छाछ वो सब मिला के बनाना पड़ता है, वो मतलब फालतू का स्टेप हो जाता है, तो वो एक तो नॉर्मल तो होता नहीं मुझसे, तो ये इतना डीप जाने में हमको जाती है दिक्कत, इसलिए। तो अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, प्रिवेंटिव चल रहे हो, तो यूजली ये इश्यूज आएगा ही नहीं। आप हफ्ते में एक बार मार देते हो, 15 दिन में एक बार मार देते हो, हाँ रेगुलर करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं आएगा तो फिर आप तो टेंशन ही नहीं है फिर तो। ये देखो एक ब्रिंजल इधर भी है, मैंने निकाला नहीं, ये वाला ब्रिंजल निकाल ही दूँ क्या? हाँ ये भी निकाल ही देता हूँ मैं, ये देखो इसको भी निकाल ही देता हूँ। ये देखो एक्चुअली देख रहे हो सिचुएशन, हमारे पास इतना है कि ये सब मुझे मालूम है कि उधर रहता होगा, उधर भी होगा कुछ ब्रिंजल, लेकिन क्या है कि इग्नोरेंस, उधर भी बहुत सारे लटके होंगे तो इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली। तो ये इसमें रह गया लग रहा है, पता नहीं कैसा है, इसमें तो इश्यू बहुत है, इसमें वाइट वाइट वो जो है मिली बग्स हैं शायद। अच्छा वो इसको निकाल दिए, ठीक है दस साफ।